जिससे कि पाठक का ध्यान इन पुस्तकों की ओर जाए और इनका भी उपयोग होना शुरू हो जाए। क्योंकि जहाँ पे साइन बोर्ड होता है तो उन्हें उस तरफ हमारा ध्यान जाता है, तो जहाँ पे स्पेशली लिखा होगा कि यह पुस्तकें भी आपके लिए उपयोगी हो सकती है, तो पाठक नहीं जाते हुए भी इन पुस्तकों की ओर जाएगा और एक पुस्तक कम से कम वह उसका उपयोग करेगा। इसके बाद में और हम आगे देखें तो बात आती है निदानी विन्यास। निदानी विन्यास से तात्पर्य सेल्फ अरेंजमेंट, पुस्तक किताबों का व्यवस्थापन, कि हम पुस्तकालय में जाते हैं और पुस्तकों व्यवस्थित जमाव है तो हम हमें जहां आवश्यकता है वहां से हम पुस्तक को एज इट इज ले लेंगे। लेकिन अगर निदानी विन्यास ही सही ढंग से नहीं है, पुस्तकें अपने व्यक्ति स्थान पर ही नहीं है, तो वह पुस्तकें हमें नहीं मिल पाएगी और तृतीय सूत्र की अवहेलना होगी। प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, उस सूत्र की पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तक होते हुए भी उसके पाठक को वह नहीं मिल पाना, इस सूत्र की सबसे बड़ी अवहेलना होगी। तो इसलिए यहाँ पे हमारा निदानी विन्यास तृतीय सूत्र की रहेगा। और एक आता है यहीं पर शब्द निदानी विन्यास से ही संबंधित, अपूपा। अपूपा शब्द पूछा जाता है, अपूपा शब्द, अपूपा किस सूत्र से संबंधित है? तो यह सूत्र मुख्यतः दूसरे सूत्र से संबंधित है, किंतु अगर हम देखें इसका तो दूसरा, तीसरा और चौथा, यह चारों सूत्रों से संबंधित भी है। अपूपा रिलेटेड मुख्य रूप से आपका दूसरे, और अगर हम सभी पे नजर डालें तो दूसरे से, तीसरे से और चौथे से। क्योंकि पुस्तकालय विज्ञान के पांचों सूत्रों को समझ करके ही हम प्रत्येक क्वेश्चन को, अप्लाइड क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्योंकि सभी का, जैसे हमने देखा था कि पुस्तकालय कर्मचारी, तो वह भी सभी में आया था, और यहाँ पे भी निदानी विन्यास भी सभी में आएगा। लेकिन हमें प्रश्न किस तरह से पूछा है, किस सूत्र को उन्होंने उस ऑप्शन से छोड़ा, बाहर किया है, और वह हमें किस तरह से पूछना चाह रहा है, तो हम आगामी हमारी सीरीज जो श्रृंखला चल रही है ऑनलाइन टेस्ट पेपर की, तो उसमें हम 12 नंबर जो पेपर करेंगे वो इसी टॉपिक से हमारे 50 क्वेश्चन रहेंगे, तो वहाँ हम प्रश्नों का सिक्वेंस देखेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि ये किस तरह से कौन सा सूत्र कहाँ अप्लाई होगा। इसीलिए श्री समृद्धि क्लासेज आपके बीच में यह श्रृंखला लेकर आई है। अब हम यहाँ तक हुई हमारे तृतीय सूत्र की बात, मुक्त द्वार प्रणाली, ओपन एक्सेस सिस्टम, लोकप्रिय विभागों की स्थापना, विस्तार सेवा, अनुपयोगी पुस्तकों का प्रदर्शित करना और निदानी विन्यास। तो अब हम बात करेंगे चौथे सूत्र पर। चौथा सूत्र है हमारा प्रत्येक, चौथा सूत्र है प्रत्येक पाठक का समय बचाएं। चौथा सूत्र है प्रत्येक पाठक का समय बचाएं। एवरी रीडर सेव टाइम। प्रत्येक पाठक का समय बचाइए। पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा जो सूत्र है हमारा,
कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, तो यहाँ पर भी प्रत्येक पाठक का समय बचाए। तो हम कह सकते हैं कि दूसरा सूत्र और चतुर्थ सूत्र, दूसरा और चतुर्थ सूत्र पाठक को इंगित करता है। पाठक के चार और केंद्रीभूत है चौथा सूत्र। दूसरा सूत्र जो था हमारा, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, और चौथा सूत्र है हमारा कि प्रत्येक पाठक का समय बचाए। यहाँ पर इम्पोर्टेंस तो दी जाएगी समय को, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पाठक का किस तरह से समय बचाए, मुख्य उद्देश्य रहेगा हमारा समय, और किसके लिए समय का बचाव करना है, वह है पाठक। तो अन्य सूत्रों की भांति इस सूत्र की हम बात करें तो यह सूत्र स्वयं तो सिद्ध नहीं कर पाएगा, जिस तरह से कि पाठक को पुस्तक मिल रही थी, पाठक पुस्तक तक जा रहा था, दूसरा सूत्र में पाठक को उसकी पुस्तक मिल रही थी, तो इसमें है कि पाठक का समय बचाएं। तो पाठक का समय कैसे बचाएं, क्योंकि यह सूत्र स्वयं तो सिद्ध नहीं कर पाएगा, लेकिन पुस्तकालय कर्मचारी, पुस्तकालय कर्मचारी की बदौलत पाठक का चयन, पाठक का समय जरूर बचेगा। तो डॉक्टर रंगनाथन महोदय बताते हैं कि जैसे ही पाठक का समय कैसे बचाएं, तो उनके लिए डॉक्टर रंगनाथन महोदय बताते हैं कि जैसे ही पाठक पुस्तकालय में एंटर करता है, आप समय क्लॉक लीजिए और उसके बाहर निकलने तक प्रत्येक विभाग का कि पाठक कहाँ से कहाँ जाता है और कहाँ किस तरह से उसको कहाँ समय लगता है, कितना समय लगता है, और आप उस पाठक का कहाँ समय कितना बचा सकते थे, तो यह उनको सबसे कि पाठक का समय को बचाने के लिए कर्मचारी को ही अलर्ट रहना होगा, और उस पाठक के समय को बचाने के लिए कि कितना तो समय लगा और कैसे लगा और कितना बचाया जा सकता था, कितना बचाया जा सकता था, इस तरह से कि पाठक का समय कैसे बचाएं। तो उन्होंने व्यक्तित्व खुद स्वयं उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय में इसका आंकलन किया और यह दिया, उससे पहले ही उन्होंने दे दिया कि प्रत्येक जो पाठक है उसका समय बचाने के लिए हमें इस विधि का प्रयोग करना चाहिए, प्रत्येक पुस्तकालय अध्यक्ष को कि पाठक का समय बचाया जाए। उन्होंने कुछ बिंदु दिए हैं हमारे सामने, पहला ही उनका आता है बिंदु सूचीकरण व वर्गीकरण। पाठक का समय बचाने के लिए सूचीकरण और वर्गीकरण का महत्व किस तरह से है कि पाठक का समय बचाने में सूचीकरण और महत्व वर्गीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। रंगनाथन महोदय बताते हैं कि पाठक का समय बचाना है में सूचीकरण और वर्गीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है, वह किस तरह से। तो रंगनाथन महोदय एक एग्जाम्पल देते हैं कि पुस्तकालय में अगर 70,000 पुस्तकें हैं, तो आप
उन पुस्तकों को किस तरह से व्यवस्थित करेंगे और हमारी उन पुस्तकों की तरफ दृष्टि किस तरह से जाएगी और हम प्रत्येक पुस्तक को अगर अल्फाबेटिकल तरीके से ए टू जेड लेखक के नाम के अनुसार सत्तर हजार पुस्तकें हैं हमारी और उनको ए से जेड सीक्वेंस में अल्फाबेटिकल लेखक के नाम के अनुसार जमानी है, तो जमाने में होने वाले व्यय तथा श्रम और उन पुस्तकों को ढूंढने में लगने वाला श्रम और समय अधिक लगेगा, जबकि अगर किताबें वर्गीकरण और सूचीकरण में है तो पुस्तकें की सूची आपको केवल एक से दो फिट में मिल जाएगी, जबकि एक और देते हैं कि 70,000 किताबें हैं तो आपकी एक सेल्फ में एक फिट में 12 पुस्तकें आएगी। तो यह बताएं कि 70,000 पुस्तकें हमारी कम से कम एक मील के बराबर दूरी तय करेगी, जिसमें पाठक की नजर कहाँ तक जाएगी और वह पुस्तकों को कैसे ढूंढेगा। तो उन्होंने इस तरह से सूचीकरण और वर्गीकरण को प्रमुख महत्व दिया है और महत्वपूर्ण भूमिका बताई है कि पाठक का अगर समय बचाना है तो पुस्तकालय में सूचीकरण और वर्गीकरण पर महत्व हमें इस पर फोकस करना होगा कि पुस्तकें वर्गीकृत हो और जहाँ पे पुस्तकें वर्गीकृत है वहाँ पे वो सूचीकृत भी हो। दूसरा उनका बिंदु है पाठक दीक्षा। पाठक दीक्षा क्या है? यहाँ पर बात हो रही है कि प्रत्येक पाठक का समय बचाएं और उन्होंने बिंदु दिया है पाठक दीक्षा। पाठक दीक्षा से हमारा तात्पर्य पुस्तकालय में जो प्रथम बार आया है, अर्थात बात करें अगर पाठक पुस्तकालय में जो प्रथम बार पाठक आया है उसे पुस्तकालय के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, तो उन्हें पाठक दीक्षा के माध्यम से उन्हें यह जानकारी दी जाए या उन्हें बताया जाए कि पुस्तकालय में इस तरह से किताबें व्यवस्थित है, इस तरह से इसमें ये विभाग है इत्यादि की जानकारी। तो हम विद्यालय पुस्तकालय की बात करें, विद्यालय महाविद्यालय और विश्वविद्यालय, इनकी बात करें तो इनमें सेशन जहाँ पे इनका विद्यालय महाविद्यालय और विश्वविद्यालय एडमिशन प्रक्रिया शुरू होती है तो उसी समय उनकी पाठक दीक्षा कार्यक्रम करवा करके उन्हें पुस्तकालय से संबंधित समस्त जानकारी प्रदान की जाए, जिसमें उन्हें बताया जाए कि पुस्तकालय में इतने विभाग है, इतनी पुस्तकें हैं, इस तरह की पुस्तकें उपलब्ध है। तो वहाँ पे पाठक जाएगा और अपना समय बचाएगा, समय भी बचेगा और प्रत्येक सूत्र की संकल्पना भी रंगनाथ महोदय की पूरी होगी। तो यहाँ पे उन्हें पाठक दीक्षा में ही सूचीकरण और वर्गीकरण की भी जानकारी विस्तृत रूप से दी जाए और उन्हें बताया जाए कि पुस्तकालय में इस तरह से पुस्तकें व्यवस्थित है, आपका इस तरह से समय को बचाया जा सकता है। यहाँ यह पाठक दीक्षा पूछा जाता है एग्जाम में कि पाठक दीक्षा क्या है, तो ऑप्शन में रहता है नवागंतुक पाठकों
का कार्यक्रम। या पुस्तकालय में नवागंतुक जो पाठक है उनको जानकारी। तीसरा उन्होंने बिंदु दिया है कि पाठक का समय किस तरह से बचाया जाए, तो उन्होंने तीसरे बिंदु पर जोर दिया है आधुनिक तकनीक पर। आधुनिक तकनीक जैसे कि कंप्यूटर है, इंटरनेट है या लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, तो उनका इस्तेमाल करके हम प्रत्येक पाठक का समय को बचा सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटर से हम किताबों का आदान प्रदान बारकोडिंग पद्धति से करें तो पाठक के पुस्तकालय से पुस्तक को उनसे मिलने में कम समय लगेगा, जबकि इशू रिटर्न या अन्य पत्रक प्रणाली जो है उनसे अधिक समय लगेगा। तो रंगनाथन महोदय कहते हैं कि पुस्तकालय में कंप्यूटर का प्रयोग अनिवार्य रूप से हो तो प्रत्येक पाठक का समय बचाया जा सकता है। यही यहां पर भी उन्होंने दिया मुक्त द्वार प्रणाली। मुक्त द्वार प्रणाली, तो मुक्त द्वार प्रणाली में पाठक अपने अनुसार ही समय को मैनेज करेगा और उसे क्लोज सिस्टम की बजाय मुक्त द्वार प्रणाली में उसके समय की बचत को अधिक होगी, क्योंकि कई बार पाठक को जो पुस्तक चाहिए होती है क्लोज सिस्टम में उसे वह मिल नहीं पाती और उसके समय व्यर्थ होता है और उसकी पसंद रुचि के अनुसार उसको पुस्तक नहीं मिल पाती, जबकि मुक्त द्वार प्रणाली में वह सूचीकरण और वर्गीकरण को देख करके या पुस्तकालय में वह पुस्तक है या नहीं है उसकी जानकारी करके वह अपनी पुस्तक को प्राप्त कर सकता है और अपना कीमती समय बचा सकता है। आगे हम बात करते हैं कि डॉक्टर रंगनाथन महोदय ने मुख्य बिंदु पांचवा जो दिया है आपका संदर्भ सेवा व संदर्भ कर्मचारी। दूसरा उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में